नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन भोगियों और केंद्रीय कर्मचारियों का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट यहां पर हमारे पेंशनर्स के लिए निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जो न्यू ईपीपीओ हमारे जनरेट हो चुके हैं सभी पेंशनर्स के लिए। अगर आप भी अपना जो न्यू ईपीपीओ है वो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आपको बता दें कि जो पीसीडी इलाहाबाद में जो ये अपडेट दी गई है सभी जो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के यहाँ पर जो न्यू ईपीपीओ हैं वो अपडेट कर दिए गए हैं। आप सभी को बता दें दोस्तों, जो हमारे सभी पेंशनर्स का जो सारा डाटा पीसीडी इलाहाबाद जो स्पर्श में माइग्रेशन किया गया है उसके बाद यहाँ पर न्यू ईपीपीओ भी जनरेट हो चुके हैं। आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं वो हम आपको बिल्कुल डिटेल में शेयर करेंगे। आप अपने जो सबसे आसान तरीके से किस प्रकार से आप चेक कर पाएंगे वो हम आपको बिल्कुल डिटेल से बताएंगे। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं जो हमारे पेंशनर्स के लिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर अपडेट्स दी गई हैं कि ऑल द ईपीपीओ हैव बीन हैंडेड ओवर द डीपीसीसी यानी डिफेंस पेंशन कॉन्टैक्ट सेंटर फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन टू रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड ऑफिस। प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर रिकॉर्ड ऑफिस। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या उसके बाद भी रहती है तो आप अपने जो रिकॉर्ड ऑफिस से कॉन्टैक्ट करके अपना सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अब यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से आप चेक कर पाएंगे। सबसे आसान तरीका दोस्तों रहेगा कि आप अपने आरओ कोड जो आपका रिकॉर्ड ऑफिस कोड है उसके थ्रू आप चेक करें, क्योंकि ये आपके लिए सबसे ईजी रहेगा। आपको सबसे पहले पीसीडीए की इलाहाबाद की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे यहाँ पर ओपन कर लेना है। उसके बाद जब आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको जो आपका आरओ कोड है वो सिलेक्ट कर लेना है। आप अपना आरओ कोड मान लीजिए, यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर ले लेते हैं कि अगर 52 अगर आपका आरओ कोड है तो आप यहाँ पर सीधे यहाँ पर फाइनलाइज जो केसेज हैं उनको चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आरओ कोड टोटल केसेज जो भी रिमेनिंग केसेस सारी अपडेट्स यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। और यहाँ पर फाइनलाइज्ड केसेस हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर 52 आरओ कोड के अकॉर्डिंग किया था तो हम यहाँ पर 28 फाइनलाइज्ड केस हैं, यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर निकल कर आएगा, जिसमें आपको यहाँ पर नीचे जब आप स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर जितने भी यानी 28 जो वहाँ पर जनरेट हुए हैं वो सारे ईपीपीओ यहाँ पर दिखाई देंगे आपको। आप किस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ओरिजिनल पीपीओ और न्यू पीपीओ नंबर यहाँ पर जनरेट हुए हैं। यहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाएगी जो ओरिजिनल पीपीओ यानी जो आपका करंट आपके पास है वो ईपीपीओ है, और जो न्यू ईपीपीओ नंबर है वो आपका ये रहेगा जो नया जनरेट किया गया है। यहाँ पर आपको अपने जो आरओ कोड के अकॉर्डिंग आपको आसानी से अपना न्यू ईपीपीओ जो यहाँ पर मेंशन है मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम इसे लेकर फेस कर रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में वो भी लिखें ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें उसके लिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।